इवनिंग जनाब, क्या खेला है पाकिस्तान ने आज के मैच में? ओ माई गॉड कर दिया है, ऐसा जोरदार झटका दे दिया है, कौन ये एक्सपेक्ट कर रहा था? हम तो ये बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी टीम कितना तैयार होके आएगी। इंडिया को सॉर्ट ऑफ टफ टाइम दे दिया हांगकांग ने, पाकिस्तान कैसे आएगी हांगकांग के अगेंस्ट? लेकिन शारजा में ऐसा कमाल किया हमारे बॉलर्स ने और बल्लेबाजों ने, लेकिन जो बॉलर्स ने कर दिखाया वो तो बिल्कुल ही हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जनाब, अब बात कर लेते हैं आज के मैच में कि हो क्या रहा है आज के मैच में, से क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है पाकिस्तान के मैच के अगली जो है, जो कि हमने अब इंडिया को फेस करना है। तो आज तो ऐसा तगड़ा जवाब दिया है इंडिया के लिए पाकिस्तान ने कि ऐसा लग रहा है बहुत ही तैयार है। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि इंडिया की टीम ने 192 रन बनाए थे, एक रन ज्यादा आज पाकिस्तान ने बनाया हांगकांग के अगेंस्ट। मतलब ये ऐसा तरह से इंडिया को जवाब दिया जा रहा है कि आपने अगर 192 बनाए तो हम 193 बनाएंगे, हम कितने तैयार हैं हम आपको बताएंगे। तो जनाब, आज के मैच के हवाले से बात हो जाए, एनालिसिस शामिल करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं फवाद मुस्तफा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, हम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि नहीं इतना भी नहीं लाइट लेना है, पाकिस्तान है कहीं हम बहुत ही लाइट ना ले लें, लेकिन इन्होंने तो बहुत सीरियसली ले लिया था, इतनी तैयारी। ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े अजीब अजीब से सरप्राइज देती है, आगे सुपर फोर में भी आप तैयार रहे। सो बहुत ही आला खेले और बहुत ही मजा आया आज, जो सही मायनों में आप कहें ना कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जो हम बात भी कर रहे थे कि भाई एक मुश्किल टारगेट दें, उसे चेस करें, इसी तरह बॉलर्स को 40 रन के अंदर किसी टीम को आउट करने का इससे ज्यादा मुश्किल टारगेट तो नहीं हो सकता था। तो शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल बैटिंग में, बॉलिंग में। बात अगर वैसे आप करें तो जी ठीक है, आप थोड़ा सा लंबा खेल गए थे, लेकिन खुशदिल ने आके जिस तरह से मार लगाई है तो वो टारगेट भी आपने अचीव कर लिया। तो बड़ा अच्छा सारा कुछ हो गया, आप सुकून से सुपर फोर में पहुंच गए। पाकिस्तान बगैर झटके के अक्सर जाता नहीं है, घबराहट हमें जरूर दे रहा होता है, लेकिन आज तो हम मतलब मैच शुरू है आज तो बाकी सारी टीमों को झटका दे दिया पाकिस्तान ने। बस समझ लें आपके, जैसी एक इनिंग खत्म हुई थी तो हमें अंदाजा था कि अब सुकून आ गया, कोई ऐसे चक्कर, इतने रन कर दिए हैं कि कोई मसला नहीं है। एक्चुअली यस, आई वाज मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान टीम ने जीत जाने, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन जब हम बॉलिंग में आए तो वो ये था कि मतलब दोनों तरफ की ट्रीट मिलेगी वो बहुत जबरदस्त रहा। तो फिर बस बॉलिंग आई और फिर खत्म हो गया ना, तो आई और गई। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, फिर वही कि जी ठीक है, ओपनर वही रहे, फखर नंबर 3 पे ही आए, लेकिन ठीक है अगर आप अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। हम तो उसी बेसिस पे बात कर रहे होते हैं कि ये अगर करें तो शायद और कुछ आए, लेकिन आज जो कुछ टीम ने कर दिया, जीत गए, और जब आप जीत जाते हैं तो फिर हर चीज अच्छी लग रही होती है, हर चीज अच्छी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप जीते वही बेस्ट टाइम होता है कि आप एनालिसिस उस वक्त करें कि क्या कुछ हम इससे बेहतर और कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले सारे मैचेस मुश्किल हैं, कंडीशंस भी मुख्तलिफ होंगी, मुख्तलिफ इन अ वे कि आपने अगर जीत गए तो 2 मैचेस हैं, अगर हार गए तो एक ही मैच है, फिर तो नहीं देखे ना, आपने 3 मैच तो अब खेलने हैं ना, अब हर टीम के अगेंस्ट खेलने हैं 3 मैच और उसके बाद फिर फाइनल डिसाइड होगा, तो आपका हर मैच इम्पोर्टेंट है। अब आपको हांगकांग नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको हांगकांग नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं पूरी समरी पर ओवरऑल इस पैकेज के जरिए कि हुआ क्या था आज मैच में, थोड़ा सा तो ओवरव्यू हमने भी आपको दे दिया है, बट दिस विल टेल यू मोर। तो जनाब, मच नीडेड रन्स दैट केम फ्रॉम रिजवान एंड फखर, आज दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी थी, पाकिस्तान को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंडिया से पहले किसी मैच में चल जाए, और बहुत अच्छा हुआ कि दिस वर्कड, इट विल रियली वर्क, मतलब ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी अगेंस्ट आगे जो हमारे बड़े मैचेस और ज्यादा लंबे मैचेस अब हमने खेले, अब हमारे मुश्किल मैचेस है ना। देखिए, खुशदिल की इनिंग्स को भी आप नहीं भूल सकते, नहीं उसको भूल नहीं सकते, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट हैपेंड एट द वैली अर्ली, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बात सर ये कि ये कंडीशंस इस किस्म की हैं कि इस किस्म की इनिंग्स के बाद आपका जो भी टोटल 160-170 होता है तो आपकी बॉलिंग भी तगड़ी है तो आप उसमें मैच जीत सकते हैं, लेकिन तो अगर कंडीशंस कोई बहुत ही बैटिंग को सूटेड वाली आ गई और वहां पर आप इतना सुकून से खेले, और अगर जैसे हमने अगेंस्ट इंडिया देखा था कि मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर आप वही 150-60 के दरमियान रुक जाएंगे। वो तो खुशदिल ने आके एक शानदार इनिंग्स 15 बॉलों पे 33 खेल दी, देखिए और एक कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा। वही बात है, तनकीद वैसे नहीं बनती अगर आप जीत गए हैं, सारा कुछ अच्छा हो गया, फिर आप कहें कि जी फिर 150 रन से जीत के भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
लेकिन आई स्टिल बिलीव जो स्ट्राइक रेट हमें चाहिए होता है T20 में हमें उससे बेहतर करना है. हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बट इसको और कैसे बेहतर होना है, इस पे मुतमईन नहीं हो जाना है. अगर हम इस पे मुतमईन हो जाएंगे और 13-14 ओवर तक अगर हमारे टॉप 3 खेल गए और अगर हम 16 ओवर में 120 रन 30 रन पे खड़े हुए, तो जरूरी नहीं है कि हर 4 ओवर में आखिर के 70 रन. अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थी, वो ये थी कि दोनों प्लेयर्स अपनी 50s कंप्लीट कर चुके थे, आप वाला पॉइंट, रिजवान एंड फखर जमान, लेकिन उसके बाद भी एज यू सेड, उसके बाद भी वो खासा स्लो खेल रहे थे. एज फार एज रिजवान इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगा कि पिछले 2-3 मैचेस से रादर हमें शायद ये PSL में ही दिख गया था, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस से हम ये देख रहे हैं कि ही टेक्स टाइम, बट दीज डेज ही इज टेकिंग अ लॉट मोर टाइम. देखिए, शुरू से आप रिजवान का जो खेलने का तरीका है, कारण है वो यही है. हमने आपने पूरा PSL किया, तो वो थोड़ा बहुत फिर ऊपर नीचे और थोड़ा हो जाता है, लेकिन तरीकाकार उसका है कि अगर आज उसका स्ट्राइक रेट बेहतर है तो उसकी वजह कि वो लंबा खेला है. जब वो 14-15 ओवर खेल जाता है तो उसका स्ट्राइक रेट 130-132 के करीब हो जाता है. स्ट्राइक रेट उतना नहीं है अदरवाइज, मैं यही कहना चाहता हूं. वरना नहीं है बिल्कुल, जो आप T20 में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, मतलब बहुत सारे जैसे एट टाइम्स क्या होता है, आपके दूसरे एंड से विकेट इतनी तेजी से गिर रही होती है, एट दैट मोमेंट अगर आपका स्ट्राइक रेट भी स्लो है तो वो जो रन है वो रुक जाते हैं. एट दी एंड जब 20 ओवर खत्म हो जाते हैं, जो मैं इधर एस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, वो ये होता है फिर उस वक्त ये नहीं मैटर करता कि फॉल ऑफ विकेट क्या था, उस वक्त ये मैटर करता है आपने टारगेट क्या सेट किया, बिकॉज आपको टारगेट देंगे तो बॉलर उसे फाइट करेंगे ना. वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पाएगा अगर कोई हमें इस तरह की सिचुएशन मिल गई. मैं वो कहना चाह रही हूँ कि वो क्यों नहीं हम अभी तक समझ पा रहे. बिल्कुल, आप जो बात करें मैं भी उसी से अग्री करता हूं कि प्रॉब्लम उसी वक्त आएगा जो हमने इंडिया के अगेंस्ट भी देखा था, कि जब हम 14-15 ओवर में 6 रन के एवरेज से खेलते हैं या 6.5 रन के एवरेज से खेलते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली 30 बॉलों में नीचे वाले आए और 60-70 रन कर दें. हमने 70 वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप सामने भी क्वालिटी बॉलिंग होती है, बाज़ औक़ात हो भी जाता है, लेकिन अगर आप कहें कि जी 10 में से कोई 8 बार ऐसा नहीं होगा, 2 बार हो जाएगा, क्योंकि हम अपने सर्कल को भी उस तरह यूज नहीं कर रहे. अभी भी आपने सर्कल में कोई 40 रन बनाए थे 6 ओवरों में, तो कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं था अगेंस्ट हांगकांग. वो तो खेलते चले गए और फिर खुशदिल कर गए, और ये तो वो टीम थी 140 भी करते तो भी आपने जीत जाना. तो हो सकता है कहीं अपना वो स्ट्राइक रेट बेटर करने के लिए, अपना एवरेज बेटर करने के लिए, तो दे माइट हैव बीन थिंकिंग कि ठीक है हमने इतना सेट कर दिया, 140 हमने सेट कर दिया 15वें ओवर में, और हमारे पास 5 ओवर तकरीबन 4 ओवर हैं, तो अगर ये भी रहे तो हम कम से कम अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं, अभी विकेट ना गवाएं. कभी कभी थोड़ा सा 128 के करीब थे 16 में, जो मुझे याद है हमारे पास 70.1, तो आपने बहुत ठीक ठाक रन 4 ओवर में 60 रन के करीब कर लिए, तो वो हो गए. वो 15 बॉल में इतनी शानदार 5 छक्के मार दिए, सब कुछ हो गया. बट अगर हमने अगली मैचेस खेलने हैं जिन टीम्स के आगे, वहां ऐसा नहीं होगा. दूसरा, ठीक है बॉलिंग हमारी अच्छा कर गई शारजा में, हमें सारा कुछ हो रहा है, इंडिया के अगेंस्ट भी बॉलिंग ने बड़ा अच्छा किया, तो वो हमें एक एडेड एडवांटेज है कि इस वक्त अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो बॉलिंग जो है वो सबसे अच्छी बॉलिंग है, बैटिंग में आज हमने करके ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस मिलेगा. लेकिन देखना यही है कि आप अगर इंडिया के अगेंस्ट संडे को दुबई में खेलते हैं तो आप इस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, फिर आपका शारजा में अफगानिस्तान के साथ मैच है, तो वो कंडीशंस भी मुख्तलिफ होंगी, टीम भी मुख्तलिफ होगी. तो हम आज जीत गए, बहुत अच्छा जीते, इससे कॉन्फिडेंस हमें मिला होगा, लेकिन हमारे जो थोड़ा सा पहले 6 ओवर का उसको और हम बेहतर कर दें तो ये चैंपियंस जो एशिया कप है वो हम जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं, जिस तरह की हमारी बॉलिंग चल रही है. सो हमें उसकी जीत की तरफ जाना चाहिए और जो थोड़ी बहुत कमियां या खामियां हैं उनको भी बेहतर कर दें. राइट, हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान करना चाहिए. अब आज बाबर आजम ने जो बातचीत की है, उन्हें क्या लगता है एक्चुअली कि क्या उन्होंने आज बेहतर किया है कि उनकी टीम जीत गई है, ये आपको सुनाते हैं. तो सी व्हाट बाबर हैड टू से अबाउट टुडेज विन, कमिंग बैक टू वेयर वी वर. इससे पहले अच्छा, खुशदिल को हम अच्छी सिचुएशन के हिसाब से अच्छा हम उसको लेकर आए. वी हैड अदर ऑप्शंस बट वी चोज खुशदिल टू डू द जॉब एंड ही डिड इट वेरी वेल. उससे अच्छी मेरे ख्याल से कोई और कर नहीं सकता था जो खुशदिल ने किया. ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, टीम का इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कमजोर और तगड़ी टीम है, लेकिन जब आप रन करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है. बट आप अगर उसको दूसरे तरीके से देखें तो अब एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी खुशदिल यही परफॉर्मेंस दे, और फिर वो देता है या नहीं देता. अगर वहां नहीं देता तो फिर ये परफॉर्मेंस जो है वो फिर रह जाती है. अगर आगे वर्ल्ड कप या उसके लिए सिलेक्शन की बात हो तो उसको आगे भी डिलीवर इसी तरह करना, क्योंकि बॉलें इतनी मिलेंगी उसे 15-16-17, तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है 16-17 रन भी इतने ही एक्सपेक्ट किए जाएंगे कि आपने 25-30 इसी तरह से रन बनाने, बिकॉज
वो जो तरीके कार आप लोगों की खेलने की स्ट्रेटजी वो ये कि शुरू वाले सुकून से लेके आएंगे और आखिर से पांच से छह ओवर में आपने बारह बारह बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। जिस स्ट्राइक रेट से हमारे जो शुरू के बल्लेबाज हैं वो खेल रहे हैं उससे नीचे वालों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने गेम सेट करनी है। पिछली दफा हमारे लिए एक बॉलर ने सेट कर दी थी गेम थोड़ी सी, इन दैट वे आई एम सेइंग अगेंस्ट इंडिया, धानी ने अगर दो छक्के नहीं मारे होते तो हम शायद बहुत गंदा हार जाते और फिर हम उस वक्त ये नहीं कहते कि अच्छा हमने यू नो सरप्राइज कर दिया श्रीलंका को, सॉरी इंडिया को, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आज हमारे लिए खुशदिल ने वो काम किया, ऑब्वियसली इज अ बैट्समैन एज वेल, बट कितनी जिम्मेदारी नीचे पड़ जाती है अगर ऊपर से बल्लेबाज बहुत स्लो खेल रहे होते हैं। देखिए ना, अच्छी अगर बॉलिंग होती है तो फिर उस पर इस तरह से आपके शॉट्स आते ही लगने आसान नहीं होते, कम से कम तीन चार पांच बॉले तो आप देखते हैं ना। तो मेरा यही कहना है कि वो और उसकी वजह से फिर आपके आउट होने शुरू हो जाते हैं, एक आउट हुआ, दो आउट हुआ, तीन, जैसे अगेंस्ट इंडिया हुआ, फिर प्रेशर शुरू हो जाता है। सही है। तो हमें उसको शुरू से एक मोमेंटम को लेके चलना है। आप इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट अगर हांगकांग भी 150 कर रहा है तो आपसे फिर एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि आप 170-180 करें, ठीक है पांड्या नहीं था लेकिन वो आ भी जाए तो भी क्या है। तो आपको उन्होंने पकड़ा हुआ है शॉर्ट बॉल पे, अब आप ये जहन में रखेंगे वो दोबारा उसी सोच के साथ आएंगे। तो आपने रन करने अगेंस्ट इंडिया, आपने 170-180 का टारगेट जहन में रखना है। ठीक है, आपकी बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म कर दिया लेकिन उनकी जिस किस्म की बैटिंग है वो आप 150 में नहीं जीत पाएंगे। उस दिन बहुत अच्छा कर लिया, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 150-160 दोबारा करेंगे जीत जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई गेट इट। अच्छा, वन मोर थिंग आई हैड टू आस्क, डू यू फील कि हमें कॉन्स्टेंटली हमारे पास खुशदिल के साथ कौन सा दूसरा ऑप्शन है दैट वी नीड टू लुक, बिकॉज बाबर ऊपर से नहीं चल रहे हैं, फखर जमान गुड फॉर अस वर्क्ड, लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली अगेंस्ट इंडिया वी हैव टू फिगर आउट कि अगर फॉल ऑफ विकेट्स अर्ली हो जाता है तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हमें नीचे और कौन से ऑप्शन है जिन्हें हमें पहले से पता होना चाहिए कि यार ये बल्लेबाज हमारे चल जाएंगे। व्हाट हैपेंड अगेंस्ट इंडिया द लास्ट टाइम वो ये था कि ना हम आसिफ जो है इफ्तिखार आउट हुए, एग्जैक्टली लाइन लग गई, वो नहीं चले। तो हमें यू नो अपने उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रांग हेडेड डिसीजन लेना होगा और हमें पता होगा कि ये डिसीजन अगर हमारे कर डाल रहे हैं, इस प्लेयर को हम डाल रहे हैं हमारे लिए, अगर 90% नहीं, 80% नहीं, तो 50% तो वर्क करेगा। आप शादाब को ऊपर खिलाएं, शादाब बड़ा अच्छा आके पीएसएल जितना खेल है बहुत अच्छा। मैं आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद शादाब को जल्दी ले आएंगे। हाँ नहीं, लेकिन वो शायद उन्होंने जो उनका डिसीजन है तो बेहतरीन डिसीजन तो वो तो शायद शादाब भी इतना तेज तो कौन खेलता, आप सोचे 250 के स्ट्राइक रेट से उसने रन कर दिए तो वो तो चले हो गया, लेकिन बड़ी टीम के आगे शादाब आपका एक ऐसा प्लेयर है कि मैं समझता हूँ कि उसको आप सही मायनों में बैटिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे T20 में। आप उसे करें तो वो और ज्यादा बेहतर रन करके देगा और बड़े तेज रन करके देगा और बड़ी पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट वो खेलता है। तो आपको बीच में इस किस्म का प्लेयर चाहिए। Exactly. वो शॉट्स भी अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, कोई ऐसा नहीं कि जी सारे मिड विकेट चला रहा हो, तो वो रन करता है। सही. तो आप उसे बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथे नहीं तो पांचवें नंबर पे ला सकते हैं। तो ये जरूर आप देख सकते हैं कि शादाब एक ऐसा प्लेयर है जो ऊपर आके अच्छा हमारे लिए कर सकता है। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्यों नहीं चल रहा बल्ला बाबर आजम का, इस पर भी बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम जिक्र कर रहे थे कि शायद हमें कोई मौका मिल जाए, इन लास्ट फ्यू मैचेस हमने ये डिस्कशन किया एनालिसिस में कि शायद हमें वो सीन देखने को मिले अगेंस्ट हांगकांग की बाबर जो है अपनी पोजीशन को रीथिंक करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा नहीं हुआ होगा, इसके पीछे क्या चल रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, क्या इसके हवाले से फवाद साहब कुछ समझ रहे हैं या सोच रहे हैं दैट वाई वी थॉट के बाबर आजम इज बेटर एज एन ओपनर एंड वी शुड नॉट ब्रिंग हिम वन डाउन बाय। बाबर मेरे ख्याल से हम तो अलग सोच रहे हैं, जो हमारी सोच है वो ये है कि फखर को सही मायनों में इस्तेमाल में लाया जाए, साथ में जो उनके टीम मैनेजमेंट वो भी उसे सपोर्ट कर ही रही होगी, तभी ये सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुझे क्या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बाबर अगर नीचे के नंबर पे आ जाए और फखर ऊपर के नंबर पे आ जाए तो ये टीम के लिए और ज्यादा बेहतर हो सकता है, बट बाबर को ऐसा नहीं लगता। राइट, बट दोनों बहुत ही बिल्कुल एट द वेरी अर्ली स्टेज पर अगर हम उनकी दोनों विकेट देखें स्क्रीन पर भी अभी, तो दोनों जो विकेटें गिरी हैं, हाउ डू यू फील? आई मीन लाइक नॉट वेरी नीडेड शॉट्स, कुडंट अंडरस्टैंड, इज ही नॉट राइट देयर, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन यू फील, और इट इज जस्ट अ बैड पैच? अच्छा, हो जाता है, दो मैचेस हैं कोई ऐसे, इसमें प्रॉब्लम ये कि ये जो कंसिस्टेंट
ये परफॉर्म करने वाले बैट्समैन होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं ना, जब ये एक दो इनिंग्स में फेल होते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम शुरू हो जाते हैं कि भाई कैसे हो गया ये क्यों भाई। तो वो भी इंसान है, उन्हें भी फेल होना है, उनका भी राइट है एक तरह से फेल होने का। तो दैट इज व्हाट मेक देम ह्यूमन। लेकिन अब हांगकांग के अगेंस्ट अगर वो कर इस टीम के आगे तो हर बंदे ही रन कर जाते हैं, हो गया आउट। लेकिन अब उससे होता ये है कि अब आने वाले मैचेस जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो वहां पर परफॉर्म करेगा जहां बाकी सारे नहीं कर रहे होंगे। तो ये खेल का हिस्सा है और इसमें अच्छा बुरा सारा चल रहा होता है। टीम ने आज बहुत अच्छा कर दिया, आप सुपर फोर में आ गए, आने वाले मैचेस अब सारे मैचेस ही अच्छे होंगे, मजा आएगा। सो लेट्स सी कि अब अच्छी टीमों के आगे बाबर, पहला मैच में कहूंगा कि जी अच्छी बॉलिंग थी उसके आगे, बाकी हांगकांग तो ठीक है जी, आपने एक शॉट खेला, कॉटन बोल्ड हो गए। लेकिन आने वाले मैचेस में उम्मीद यही कि बाबर जिस किस्म के प्लेयर हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे टीम के लिए, ज्यादा दूर नहीं है वो इनिंग्स भी जिसका हम इंतजार करें। अच्छा, हैविंग सेड दैट, फखर रियली डिड गुड पहले मैच में, ठीक है, बट सेकंड मैच में बहुत अच्छा किया। और एक अच्छी बात यह है कि कम अज कम एक प्लेयर ये कह रहा है, अच्छा हमारे साथ कॉलर है, आपको भी शामिल करेंगे हमारे अपने प्रोग्राम में, लेट्स हैव योर वॉइस ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, मैं शारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब क्या कहना चाहते थे? अच्छा, मुझे कुछ बाबर आजम के हवाले से बात करनी थी, तो मैं आपके 5 मिनट चाहिए होंगे मुझे, ले सकता हूँ? 5 मिनट तो शायद नहीं, लेकिन आप जितनी बात कर रहे हैं हम सुनने के लिए तैयार है, आप बात करें। अच्छा, ये बाबर आजम के 2-3 मैचेस फेल हो जाते तो लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ऐसा मेरा उनसे आपके एक्सपर्ट से सवाल है, पिछले 10-12 साल में ऐसा आपको बैट्समैन मिला जो इतना कंसिस्टेंट हो, जो इतना सुपरस्टार हो, जो दूसरे के लेवल के मैच करता हो? हम तो तरफ गए थे कि पिछले 10 साल में कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन है, जब वो परफॉर्म करता है फिर भी लोगों को मसला, परफॉर्म नहीं करता फिर भी मसला, तो करे क्या? एक तो दूसरी मैं आपको जो एक्सपर्ट हूँ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबर आजम की कंसिस्टेंट लेवल पे पाकिस्तान की स्टेट में कोई बैट्समैन है तो प्लीज बार तो बड़ी जल्दी अभी बात रैप कर दी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, वी आर गिविंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ऑन एयर, प्लीज कीप वॉचिंग। जनाब देखिए, बाबर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि पिछले 10-15 साल में इतना कंसिस्टेंटली कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा था, जो हमें था भी कि जी कोई प्लेयर नीचे से नहीं आ रहा तो बाबर एक ऐसा प्लेयर आ गया। बाकी हमने कुछ बात पहले भी की थी, मैंने और सादिया ने, उनके हवाले से कि जो आप बात करें वही हम भी कर रहे थे कि जी वो मैच फेल होता है और सारे उसको खरीद जबरदस्ती करना शुरू होता है। बीइंग अ होस्ट इज माय जॉब टू टेक इट अराउंड, इसको ऐसा मैं समझे, बट इट्स माय जॉब टू लुक थ्रू दिस। लोग जो कर रहे होते हैं वो इन्हें बात भी करनी होती है। अब असल ऐसा नहीं है कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले बैट्समैन नहीं आए तारीख में, बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन आए। आप नीफ मोहम्मद साहब से स्टार्ट लें, तो जावेद मियादाद की बात कर लें, जिमामुल हक की बात कर लें, यूनुस खान की बात कर लें, सो ये सब मोहम्मद यूसुफ, ये ज्यादातर वो थे कि जिनके एवरेजेस 50 या उसके करीब करीब भी थे। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन बाबर बहुत जल्दी ऐसा है कि उस कैटेगरी में जा रहा है वो जो ग्रेड्स वाली होती है, और अभी बहुत उसने खेलना भी तो उसका बहुत टाइम है, और उस पर हम तनकीद बरए हम भी वही बात कर रहे थे जो आप कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपका पॉइंट वैलिड है, हम आपसे डिसएग्री नहीं कर रहे। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से क्रिकेट चेंज हुई है, एक वक्त था जब 50 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा समझा जाता था, बिकॉज क्रिकेट उस दौर से, सॉरी 50 का एवरेज बहुत बड़ा समझा जाता था क्योंकि उस दौर से खेला जाता था क्रिकेट। सही है, अब फॉर्मेट्स ऐसे हो गए हैं, हम टेस्ट में भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना स्लोमा खेलो के स्ट्राइक रेट टेस्ट में मैं एक बात कर रही हूँ, अब हमें वो बहुत स्लो लगता है, बस हमने T20 का फॉर्मेट इतना देख लिया है कि हमें वो स्लो लग रहा होता है। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि अभी पिछले कुछ सालों के अंदर क्रिकेट रिवाइव बहुत हुई है, चेंज बहुत हुई है, उसकी शेप इतनी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अच्छे बैट्समैन या कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं आए होंगे। नहीं नहीं, वो तो आए हैं, बट स्ट्राइक रेट की जो आप बात करें, अब ये कि टेस्ट मैच में 70 से ऊपर, वनडे में भी 110-120, exactly. और अगर आप T20 में एक कामयाब क्रिकेटर हैं तो आपका 135-40 इस किस्म का स्ट्राइक रेट चाहिए। एवरेजेस मुख्तलिफ है टेस्ट क्रिकेट, अभी 50 से ऊपर जो उसको बेहतरीन माना जाता है, वनडे में भी आप 45+ कर रहे हैं, यहाँ पर ये है कि जी 30-35 का भी अगर आपका एवरेज है T20, और अगर हम इन्हें पिछले 7-8-10 सालों में चले जाए तो स्ट्राइक रेट बहुत वेरी करके, मतलब बहुत आगे निकल गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक जमाने में अगर आप टेस्ट में 50 का स्ट्राइक रेट आपका होता था तो ठीक था,
लेकिन अब वो ठीक नहीं है क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि आप अगली टीम, मतलब अब वो बहुत जल्दी 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 आपको देखना होता है कि आप स्ट्रैटेजी भी चेंज हो गई क्रिकेट खेलने की। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, आप कौन बात कर रहा हूँ? लाहौर से जी। मेरा सवाल यह है कि मैं कहता हूँ मैंने फखर जमान को ट्वीट करने के लिए रिजवान के साथ और ये बाबर आजम को वहां ढूंढ रहने चाहिए क्योंकि ये टीम के लिए अच्छे और बाबर आजम यह सब प्लेयर है ऊपर से विकेट गिर गई ना तो नीचे से वो जो है ना थोड़ा थोड़ा सिलो करके थोड़ा रन भी बनाता रहे विकेट भी बचाता रहे तो ये बहुत अच्छा होगा टीम के लिए। जनाब हम भी यही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, आप क्या करें अभी शायद वो नहीं सुन रहे हैं। नहीं यार अगर भाई अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए हम गलत साबित हों ऐसा ही होता रहे कि जी बाबर का डिसीजन ठीक था पाकिस्तान एशिया कप जीत गया तो बस फिर हम भी खामोश भी हो जाएंगे और शायद हमें भी ये यू नो वाजे हो जाए कि हमारे पास ऑल्सो ये भी तो हो सकता है आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा। आप फखर जमान से ओपन तो करवाते ही आप भंडार भी उसे देख सकते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब जो बात हम कर रहे थे कि बाबर पोजीशन पे खेल सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि जी फखर भी ऊपर की दो पोजीशन पे आराम से खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए आप सुकून में आ जाए। हाँ ये भी बात है जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे कल के मैच की थोड़ी सी बात करेंगे और ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक मोर अबाउट पाकिस्तान। कल है मैच श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट बट हियर वी आर टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन एंड हियर आई हैव टू रियली अनाउंस, वैसे तो ये शुरू में ही कर देना चाहिए था बट आई हैव टू टेल यू कि दोनों ग्रुप्स का जो है फाइनल फोर या सुपर फोर्स का लाइनअप मुकम्मल हो चुका है। एक जानब से जनाब आई है अफगानिस्तान और श्रीलंका, दूसरी जानब से क्वालिफाई किया है पाकिस्तान और इंडिया ने। अब सुपर फोर का जो पहला मैच है वो कल होने जा रहा है, दैट इज श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान बड़ी साबित होती है या जिस तरह से बांग्लादेश को हरा कर आई है श्रीलंका की टीम, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या इतना बूस्ट हो गया है कि वो कल जो है इससे पहले टक्कर देने वाली अफगानिस्तान की टीम को हराने में कामयाब होते हैं या टफ टाइम देते हैं या हमें बहुत जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्या एग्जैक्टली हो सकता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। बट बिफोर आई गो टूवर्ड्स दैट आई हैव टू आस्क अबाउट जडेजा। इंडिया के जो जडेजा हैं वो रूल आउट हो गए हैं, इस पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। हाउ बिग ऑफ अ रिलीफ इट इज फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट अ ब्लो इज इट इज फॉर इंडियन टीम। देखिए आप जडेजा की बैटिंग को बहुत मिस करेंगे, अक्षर पटेल जो है वो आ गए हैं, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे एज ए बॉलर तो ठीक है काम हो जाएगा लेकिन जडेजा ने जिस तरह आके उस दिन खेला था और बीच में जो जरूरत पड़ती है तो वो तो जरूर मिस करेंगे। और ये हम लोगों के लिए भी जो हम अक्सर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं कि जी फिटनेस है और ख्याल नहीं रखते, तो कोई भी अनफिट हो सकता है, इस पे आप ये नहीं कह सकते कि जी अब जडेजा कैसे अनफिट हो गया। और एक और चीज ये कि जो नसीम पे क्रिटिसिज्म हो रहा था जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि जी क्रैम्प पड़ गए हैं, कोई ऐसे अनफिट नहीं हुए हैं, तो आज देख लें हमने शायद मुझे लगता है खिलाया भी इसीलिए है कि बता सके सबको कि जनाब सारी टीम फिट है, वरना अगर रेस्ट कराते तो हो सकता था होता था कि जी फिट नहीं है रेस्ट करा दिया, तो मकसद यही था कि जी फिट है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी, वो क्रैम्प पड़ गए थे, बात थोड़ी सी थी बात खत्म हो गया, वो किसी को भी पढ़ सकते हैं। तो जडेजा से फर्क जरूर पड़ेगा और मेरे ख्याल से पंट को इन्हें फिर बीच में लेके आना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की इन्हें बीच में जरूरत पड़ेगी। फॉर नवाज अगर सुन लिया तो हमें तो नहीं सब ये बताना ना, हमें सुन के सारा डिसीजन ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, तो उन्होंने ये सब करना पड़ेगा। ओके तो हमारे साथ है कॉल, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ हमारा एक ही मेन बॉलर है नसीम शाह और इंडिया के खिलाफ वो थोड़े से वो अनफिट भी हो गए थे, उसकी जगह पे अभी ये छोटा मैच था, अगर उनकी जगह पे हम स्नैन को खिला लेते बस मेरा यही सवाल था कि उनको भी चांस देना चाहिए था। आपका पॉइंट उमर, वी गॉट इट और इस पर हम जरूर बात करते हैं। अच्छा ये जो है इन्होंने सवाल किया इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं। हम उस दिन बात कर रहे थे कि आपके जो खास और बड़े जबरदस्त बॉलर्स होते हैं, जिस तरह हमने पांडे को देखा, उन्होंने पांडे को रेस्ट करा दिया था अगेंस्ट हांगकांग, वी कुड ऑल्सो डू दिस नॉट बिकॉज नसीम फिट हो गए तो क्यों नहीं खिलाए, बट इसलिए कि जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ कि वो बहुत ओवर प्ले कर गए, कहीं ना कहीं बीच में आप रेस्ट दे दें, अच्छा दे दें, क्या ये जरूरी था? इट वॉज नॉट नीडेड।
देखिए एसेस तो कोई क्रिकेट नहीं खेलते हुए नहीं आ रहे ना, शाहीन तो पहले से उनपे लोड था, वो एक अलग चीज है। तो नसीम बेसिकली जो हम, मैं भी बात कर रहा था, आप भी, हम सब भी यही कर रहे थे कि जी क्रैम्प पड़ गए हैं, वो फिट होगा, सही हो जाएगा, एक दिन वो क्रैम्प पड़ते हैं, एक दिन में सही हो गया। और टीम ने और डॉक्टर ने आगे जरूर ये सोचा होगा कि भाई दोनों फिट हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, खिला दिया, प्लेयर से भी पूछ रहा होगा उसने, ठीक है मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये भी एक चीज है कि जी फिट है तो वो खिला दिया, तो इसमें कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है। आगे टूर्नामेंट लंबा जरूर है, बट मुझे लगता है कि फिटनेस का कोई इशू है नहीं। ठीक है, अच्छा एज फार एज द ओवरऑल बॉलिंग, क्योंकि हमने इस पर बात नहीं की आज, हमने जरा बैटिंग को डिस्कस किया, हम नंबर वन नंबर टू थ्री पर ज्यादा बात कर रहे थे, बट बॉलिंग में जो ठीक है, नसीम के साथ यू नो हारिस रऊफ को हमने पिछले मैच में फर्स्ट मैच के अंदर जो हम कह रहे थे कि यू नो हमारे मेजर बॉलर्स वही हैं, हमारे मेन बॉलर्स यही हैं, लेकिन दहानी बहुत जबरदस्त अपना रोल प्ले कर रहा है, लेट्स हैव लेट्स यू नो काइंड ऑफ अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, बिकॉज दो विकेट जब नसीम ने ले ली, ही केम एंड ही रियली डिड हिज जॉब, जिसके लिए वो आया है, और जो बात कर रहे थे कि उसका एक इन्फ्लुएंस है और उसको होना चाहिए, वो नजर आया। और देखिए जो जैसे हमारे कॉलर भी अभी बात कर रहे थे, नंबर वन टू थ्री बॉलर कोई नहीं होता, ये सारे बेहतरीन बॉलर हैं, और आपको नहीं पता होता कौन सा बॉलर किस मैच में आपको परफॉर्मेंस बेहतर दे दे। हारिस का एक अलग रोल है, धानी का एक अलग रोल है, शादाब का अलग है, नवाज का, तो ये सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं। अगेंस्ट इंडिया बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, 150 रन के अंदर आप आउट हो जाते हैं और आप इतना सख्त उन्हें एक फाइट देते हैं दुनिया की बेहतरीन बैटिंग को, तो और साथ आज अगर आप देखें तो आपने 38 रन पे आउट कर दिए, तो सारे ही सारे शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो नंबर वन नंबर टू तो नहीं है, तो और अगर नसीम खुदा ना खास में से को अनफिट हो जाता है तो नीचे आपके हसनैन भी पड़ा, हसनैन इज अ वेरी गुड बॉलर, हसन अली एक्सपीरियंस है, ठीक है एक आध बार के असल ज्यादा मैच में खराब कर लिया, लेकिन बॉलिंग आपकी ऐसी नहीं कर रहा। इंडिया से मुवाजना देखें, जो हांगकांग के अगेंस्ट आपके उनके टॉप दो फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 90 के करीब रन दे दिए थे अगेंस्ट हांगकांग, तो उसके मुकाबले में आप देखें तो आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा क्या अपनी बॉलिंग को कंसिडर करते हुए अगर हम टॉस जीत जाते हैं इतवार के दिन, विल वी कंसिडर बॉलिंग फर्स्ट? अब जब हम कंपेयर कर चुके हैं कि हमें पता है कि हमारा जो बॉलिंग है वो तगड़ी है और हम उन्हें कंटेन कर सकते हैं इतना कि हमारे बैट्समैन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, या ये बैकफायर कर सकते हैं? हमारे साथ तो दूसरा मसला है ना, मैं चेस करने में भी तो ठीक है, वहां पर ज्यादातर टीमें चेस करने जाती है, बट हम चेस करने में अंडर प्रेशर आ जाते हैं, अगर तो वो ज्यादा रन करके तो हमें चेस करने में प्रॉब्लम आएगा, ये भी एक चीज है। तो अब देखें हम टॉस जीत के क्या डिसीजन लेते हैं, ज्यादातर टीमें तो चेस पे जाती हैं, तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप जाएं चेस पे, आपका ऑप्शन तो खुला हुआ है, तो आप इतवार का मैच हार के आप टीम से टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हो रहे ना। एग्जैक्टली, पास तो टूर्नामेंट पूरा खुला है, दो तीन मैच पहले ही मैच में कौन सा नॉकआउट है, तीन में से दो मैचेस आपने जीतने हैं, बाकी दो टीमों के आगे जीत जाइएगा, खत्म नहीं हो रहा है टूर्नामेंट। राइट, बट आपको लगता है कि हमने हांगकांग के अगेंस्ट इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, यू थिंक हम इंडिया के अगेंस्ट ये करने जाएंगे और वी विल स्टिक टू द ऑर्डर वी हैव? जो हमने किया है वही हम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कोई चेंजेस करेंगे, आप जिस टीम के साथ गए वही करेंगे, जो आपका बैटिंग ऑर्डर आपका आज था हम वही रखेंगे, मैच में था वो उसी तरह से आप जाएंगे। ये आपकी अलग बात है कि आप चेस करना है, टॉस जीते हैं तो आप चेस करते हैं या आप पहले बारी करते हैं? राइट, मुझे तो ये भी लग रहा है कि उसके अंदर भी प्रॉबेबली हम बैट ही करेंगे, दो उस दिन बाबर ने बोला कि अगर हम टॉस जीत आते तो हम भी प्रॉबेबली पहले चेस करने चले जाए, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, जा सकते हैं बिल्कुल जल्दी आउट करके, जिस किस्म की इंडिया की बॉलिंग चेस होता है उसमें। राइट, अ फ्यू लाइंस अबाउट टुमारोज मैच, हु डू यू थिंक कैन विन पॉसिबली? श्रीलंका बहुत तगड़ा मैच जीत के आया है, ठीक है उससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की पूरे टूर्नामेंट परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत सुकून से मैच जीते हैं, और उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, अपने ऊपर यकीन अपनी टीम पे एज अ टीम, आप उनकी फील्डिंग में देखें, बैटिंग बॉलिंग, मैच अच्छा होता नजर आया, लेकिन मुझे अगर आप फेवरेट पूछेंगे तो अफगानिस्तान मेरी नजर में फेवरेट है, कंसीडरिंग कि दो बैल की जो पिछली परफॉर्मेंसेस रही हैं। आपके प्लेयर्स बताएं कल के मैच लुकिंग फॉर? अच्छा गुरबाज ने पहले भी श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, वो मुझे लग रहा है कि परफॉर्म करेगा, नबी अभी तक उस तरह से नजर नहीं आए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नबी करेंगे,
कुशाल मेंडिस उधर से वो कर सकते हैं, राजापक्सा कर सकते हैं. सो ये सारे श्रीलंका की बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा. ये बॉलिंग ने जिस तरह से कर रही है ना, और ये किया तो फिर बिल्कुल ही वन साइडेड. और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपने पेसर्स को इस्तेमाल किया है और उनके पेसर्स ने स्पिनर्स को तो हमें पता जी, ही है. जी जी जी. दूसरा अफगानिस्तान मैं समझता हूँ कि जी एक जो उनके ऑलराउंडर है ये फास्ट बॉलर, उनमें से बिठा के नूर को जरूर मौका दे देना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास और मैचेस हैं, कल का मैच कोई नॉकआउट तो है नहीं है. तो जनाब इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया खत्म. अब देखना यह है कि कल क्या होता है. देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाएगा.